हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी वीडियो में। अगर आपको जो है शौचालय का कोई भी लाभ नहीं मिला है तो सरकार ने जो है फिर दोबारा से जो है शौचालय को ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस जो है चालू कर दिया है, जिससे आपको मिलेंगे 12,000 रुपये। अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप जो है फॉर्म दोबारा भर के अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपको जो है 12,000 रुपये मिलेंगे शौचालय बनाने के लिए। ये सरकार ने जो है दोबारा से चालू करी है स्कीम, तो इसलिए आप जानना चाहते हैं किस तरीके से इसका अप्लाई करना है तो बताने वाले हैं हम अपनी वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है मोबाइल या लैपटॉप में, और उसमें सर्च मारना है SBM रजिस्ट्रेशन। ये सर्च मारने के बाद पहला ही ऑप्शन आ गया रजिस्ट्रेशन का, इस पर जो है हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है हमारा जो है रजिस्ट्रेशन ये ऑप्शन जो है खुल के आ गया है। इस पर जो है हमें रजिस्ट्रेशन पर जो है अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो मोबाइल नंबर इस पर डालेंगे ये हमारा रजिस्टर करने के लिए काम आएगा। और यहाँ पर डाल दें अपना नाम जो आधार में है, और यहाँ पर जेंडर चुन लें, और यहाँ पर एड्रेस डाल दें जो आपके आधार द्वारा है, वही एड्रेस यहाँ पर डाल के, और ये अपना स्टेट चुन लें, जो भी आपका स्टेट है वो चुन लें। उसे चुनने के बाद ये कैप्चर कोड डाल के सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्टर होने के बाद हमें जो इसे ओके करके हटाना है, देखिए रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, ओके करेंगे। ओके करने के जो है हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए हमें जो है यहाँ पर जो हमने मोबाइल नंबर दिया था अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वही मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर डालें और गेट OTP जो है क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक OTP जो आएगा हमारे मोबाइल पर, वो हमें यहाँ पर फिल करना है, और OTP डालने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पर नीचे भरना है, और साइन इन पर जो है क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप देखते हैं ये हमारा हमारी डॉक्यूमेंट जो है डिटेल हमारी आ चुकी है जो हमने स्टेट चुना था। और यहाँ देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन Phase 2, मतलब ये दोबारा स्कीम जो है दोबारा चालू करेगी ये दूसरी, जिन लोगों के नहीं बने थे अब वो लोग दोबारा अप्लाई करके बना सकते हैं। अब यहाँ पर करना है न्यू एप्लीकेशन पर। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये क्राइटेरिया जो है आपको पढ़ लेना है, इसमें बताया गया किन किन लोगों का बनना है, तो आप इसे रीड कर लें। उसके बाद रीड करने के बाद इसे हटा के ये फॉर्म जो है आपका पूरा का पूरा फिल करना है, और किस तरीके से फिल करना है इसके बारे में जो है मैं बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं स्टेट जो है हमारा पहले ही लिख के आ रहा है, क्योंकि जब हमने वहाँ पर लॉगिन करा था तो अपना स्टेट वगैरह सब चुना था, इसलिए यहाँ पर स्टेट आ गया है पहले ही, और ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको चुननी है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर चुन लें, और यहाँ पे अपना ब्रांच नेम चुनना है, मतलब गांव कस्बे का नाम, ये सभी आ रहे हैं यहाँ पे। विलेज नेम आ गया है, और ये यहाँ पे अपना विलेज का ही नाम आएगा, ये नाम आ चुका है। अब ये पूरा का पूरा फॉर्म जो हमारा फिल हो चुका है। अब यहाँ पर जो है हमें टॉयलेट से थोड़े पार्टिकुलर, मतलब मुखिया का नाम देना है, किसके नाम पर बनवाना चाहते हैं, उनका नाम जो है आप हस्बैंड या वाइफ हैं जिसके नाम पर बनाना चाहते हैं, अगर आप लेडीज हैं तो अपने हस्बैंड का नाम डालें, तो यहाँ पर जो उनका नाम डाल दें पूरा जो आधार द्वारा है वही नाम यहाँ पर डालें। और नाम डालने के बाद जो है आप यहाँ पर आगे देखते हैं अपना आधार नंबर, अपना आधार नंबर डाल दें। उसके बाद ये क्लिक करके इस चेक बॉक्स पर और वेरीफाई नंबर पर क्लिक कर दें आधार के। इस पर करने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा आधार नंबर, देख सकते हैं आप गिन हो गया है, तो आपका आधार नंबर जो वेरीफाई हो गया है। अब वेरीफाई करने के बाद अब आते हैं अगले स्टेप पर, यहाँ पे अपना नाम डालना है, जिनके नाम पे आप बनाना चाहते हैं उनका नाम डालें। उसके बाद यहाँ पे जेंडर चुन लें, जो भी जेंडर आप लेडीज़ हैं जो जेंट्स हैं जो भी हैं अपने, उसके बाद कैटेगरी BPL हैं APL हैं जो भी हैं आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी लें, और यहाँ पे सब कैटेगरी जो है अपनी चुन लें, SC OBC आप क्या हैं वो भी चुन लें, और मोबाइल नंबर अपना डाल दें यहाँ पर। उसके बाद email ID हो तो वो भी डाल दें यहाँ पर, और अपना एड्रेस जो है यहाँ पे भर दें पूरा, एड्रेस भर देंगे पूरा, पूरा का पूरा फॉर्म आपका जो है फिल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देनी है आपको बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल में जो है आपको यहाँ पे अपना बैंक का IFC कोड डालना है। आप यहाँ पे IFC कोड भरेंगे तो पूरी की पूरी जानकारी जो है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा एक IFC कोड से, क्योंकि IFC कोड से जो है बैंक कौन सा है, ब्रांच कहाँ की, ये सब है यहाँ पर आ जाएगा। इसमें केवल आपको जो है एक ही चीज़ भरनी है, और वो है अकाउंट नंबर। यहाँ पे जो अपना अकाउंट नंबर डाल दें,
जो भी आपका अकाउंट नंबर है, फिर दोबारा से उसे कंफर्म करने के लिए अपना अकाउंट नंबर डालें। उसके बाद आपको पासबुक का एक फ़ोटो डालना है फर्स्ट साइट पर, जहाँ पर आपका अकाउंट नंबर नाम वगैरह जो होता है वहाँ का एक फ़ोटो डालें जो 200 KB के आसपास हो, 200 KB से नीचे ही हो तभी, 200 KB से ऊपर होगा तो नहीं होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे ये अप्लाई करने का, इस पर जो है अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करने के बाद जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन पे मतलब अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे कि आप इसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, उससे क्या है आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और स्टेटस चेक करने के लिए आपको जो है किस तरीके से चेक करेंगे तो बताता हूँ। आप इधर साइड में आएंगे, व्यू एप्लीकेशन पर जो है क्लिक करना है आपको। देखिए हमने आप अभी किया नहीं है, हमने दूसरे पे किया था इसलिए हमारा ये बोर्ड नहीं दिखा रहा है। तो आप जो है इसी पे क्लिक करके अपना स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। और ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम पाने के लिए मतलब जानने के लिए हमारे चैनल पर जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको गवर्नमेंट की जो भी नई स्कीम आए आपको मिलती रहे।